जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों यदि आपके भी हाफ ईयरली एग्जाम हो रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आप सभी के सामने क्लास टेंथ सब्जेक्ट इंग्लिश का एमजे कोड का वायरल क्वेश्चन पेपर लेकर के आ चुका हूँ। कॉलेज का आया हुआ एकदम रियल पेपर है दोस्तों। इस वीडियो में हम पूरे पेपर का सॉल्यूशन भी करने वाले हैं, इसलिए आप सभी को वीडियो में अंतिम तक जुड़े रहना है। पूरा पेपर के देख करके जाइएगा, क्योंकि हो सकता है आपके कॉलेज में भी यही पेपर सेम टू सेम आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपके कॉलेज में आता है तो आप इसे बहुत ही कम समय में कर लेंगे दोस्तों। और बहुत ज़्यादा पॉपुलर पेपर है ये और बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और पूरे पेपर का सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग निर्देश पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, क्लास टेन सब्जेक्ट इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर है। चलिए अब प्रश्न देखते हैं और एक एक प्रश्न को समझना शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए एक पैसेज दिया गया है, जिस पैसेज को पढ़ करके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। आप वीडियो को रोक करके पैसेज पढ़ सकते हैं, बाकी क्वेश्चन हम बिना पैसेज पढ़े भी मैं आपको पैसेज में बता दूंगा कहाँ से कहाँ तक आपको लिखना है। देखिए, एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस्ड बिकॉज, मतलब डिस्ट्रेस माने होता है चिंतित होना, बिकॉज माने क्योंकि, यानी एक बूढ़ा व्यक्ति परेशान था या चिंतित था क्योंकि। तो अब इस प्रश्न में जो शब्द दिए गए हैं इन्हें आपको पैसेज में ढूंढना है कहाँ पर मिलेगा। तो आप पढ़ते जाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा, एन ओल्ड मैन डिस्ट्रेस्ड बिकॉज हिज सन्स एलवाइज क्वेरल्ड विथ वन अदर। ठीक है, तो हिज सन्स एलवाइज क्वेरल्ड विथ वन अदर, तो यहाँ पे ढूंढो तो हिज सन क्वेरल्ड समटाइम्स विथ हिम, तो ये गलत हो गया। हिज सन्स क्वेरल्ड विथ डियर फ्रेंड्स गलत हो गया। हिज सन्स एलवाइज क्वेरल्ड विथ वन अनादर, तो यही तो यहाँ पर दिया हुआ है, तो बस आपको यही वाला टिक कर देना है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है, एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस्ड इट मीन्स ही वाज, यानी एक बूढ़ा व्यक्ति परेशान था, इसका मतलब क्या है कि वह क्या था, हैप्पी माने खुश था, कि मददगार था, कि गुस्से में था, कि दुखी था, तो इसका मतलब वह दुखी था दोस्तों। ठीक है, वह दुख इस बात को लेकर के चिंतित रहता था, दुखी रहता था कि उसके जितने बच्चे हैं सब आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, तो इस बात को लेकर के वो सैड था। अगला है, विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ वीक, वीक माने होता है कमज़ोर, तो कमज़ोर का अपोजिट कौन सा है, तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो स्ट्रांग, स्ट्रांग माने मजबूत होता है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। मजबूत जो है ये कमज़ोर का क्या होता है, विपरीत होता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 से 8 तक आप इसमें देखेंगे, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग, बी श्योर दैट एवरी वन ब्रिंग्स, यानी ये निश्चित करें, सुनिश्चित करें कि प्रत्येक व्यक्ति क्या लेकर के आएगा, ओन बुक यानी अपनी किताब लेकर के आएगा, तो यहाँ पे कौन सा लगेगा, देम लगेगा कि दे लगेगा कि दियर लगेगा कि हिज लगेगा, तो बी श्योर दैट एवरी वन ब्रिंग्स हिज ओन बुक। ठीक है, हिज ओन बुक, तो यहाँ पे हिज लगेगा, ऑप्शन डी सही है। अब यहाँ पे देखिएगा, इफ़ ए स्टूडेंट्स वांट्स टू नो एवरी न्यू थिंग, यानी एक छात्र जो हर चीज़ के बारे में जानना चाहता है तो ही इज, वह क्या है, इंटेलिजेंट यानी बुद्धिमान है कि केयरफुल है कि कॉशियस है कि क्यूरियस है, तो क्यूरियस है, क्यूरियस माने जिज्ञासु होता है, यानी वह हर चीज़ को जानने के बारे में इच्छा रखता है, तो वह क्यूरियस हो जाएगा, यानी ये वाला आपका यहाँ पे आप भर देंगे, यही आंसर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, बी मस्ट हेल्प, गैप लगा है और पुअर लिखा हुआ है, तो ए लगेगा कि द लगेगा कि एन लगेगा कि नन ऑफ दीज लगेगा, तो बी मस्ट हेल्प द पुअर, ठीक है, यहाँ पे द लगेगा। चलते हैं दोस्तों पिछले क्वेश्चंस की तरफ और इनको भी देखते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, कॉलेज का आया हुआ 100% रियल पेपर है, तनिक भी ये फेक पेपर नहीं है। सातवां प्रश्न देखिएगा, पीपल सम टाइम्स कॉल मी ए ड्रामा क्वीन, यानी कि लोग कुछ बार समय मुझको क्या कह देते हैं, एक ड्रामा क्वीन कह देते हैं, तो यह कैसा सेंटेंस है, इंपरेटिव है कि डिक्लेरेटिव है कि इंट्रोगेटिव है कि एक्सक्लेमेटरी है, तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये डिक्लेरेटिव होगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे आठवां प्रश्न, द स्विमर यानी वह तैराक व्यक्ति जो है, टू बी इन डिफिकल्टी बट ही टू रीच द शोर इन द एंड, तो यहाँ पे कौन सा लगेगा, तो द स्विमर सीम्ड टू बी इन डिफिकल्टी, यानी उसको तैरना कठिन लग रहा था, बट ही मैनेज्ड टू रीच द शोर इन द एंड, लेकिन उसने प्रयास किया और अंतिम तक पहुँच गया, तो यहाँ पे ये वाला और ये वाला दोनों ऑप्शन सेम है, तो आप बी और डी दोनों लगा देंगे। ठीक है, दोनों सेम ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 9 से 10 तक इस पैसेज को पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, व्हाट डज द ऑथर मीन बाई इट वॉज द साइट ऑफ ए रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स,
तो यहाँ पे पढ़ते चले जाएंगे तो द शेयर मनी टूक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम थिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ व्हाइट सुप्रीमेसी एंड नाउ इट वॉज द साइट ऑफ ए रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स। देखिए यहाँ पे आप इसका हिंदी ट्रांसलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा, यहाँ पे ये लिखा गया है फॉर डिकेड्स मतलब दर्शकों के लिए वो जगह जो थी एक सीट थी यानी एक आसन था किसका, वाइट सप्रमेसी मतलब सफ़ेद लोगों का, यानी जहाँ पे सफ़ेद लोग रहते थे उनका ही वो आसन हुआ करता थे, लेकिन आज के समय में वो क्या था, इट वॉज द साइट ऑफ ए रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स मतलब अलग अलग रंग के इंद्रधनुषों के इकट्ठे होने का एक क्या थी जगह हो गया था एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक, क्योंकि उस दिन अफ्रीका में फर्स्ट डेमोक्रेटिक राज्य की स्थापना हो रही थी, है ना, लोकतांत्रिक शासन की व्यवस्था हो रही थी। तो यहाँ पे इंद्रधनुष शब्द का उपयोग होने का मतलब ये है दोस्तों कि वहाँ पर लोग जो हैं अलग अलग जातियों के उस दिन इकट्ठा हुए थे, पहले वहाँ पर श्वेत लोग ही रहते थे, काले लोगों का वहाँ पर कोई सम्मान नहीं हुआ करता था, लेकिन उस दिन सभी लोग इकट्ठे हुए थे, ठीक है ना। तो इट वॉज द साइट ऑफ ए रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स का यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो पीपल ऑफ डिफरेंट इनहेटिक्स हैव गैदर्ड टुगेदर, ये वाला आपका सही होगा, ठीक है, ये वाला आपका सही होगा। अगला देखिएगा हु इज आई इन द एक्सट्रैक्ट गिवन एबो, यानी इस पैसेज में आई किसके लिए ये प्रयोग हुआ है, आई वॉज एकम्पेंड बाई माई डॉटर जेनानी, तो इसको कैसे पहचानेंगे, तो यहाँ पे कौन ये बात बोल रहा है कि मैं अपनी पुत्री जेनानी के साथ आया था, तो जेनानी किसकी पुत्री थी, तो नेल्सन मंडेला की थी, तो ऑप्शन नेल्सन मंडेला आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये वाला गलत है दोस्तों, इसको मट्टी कीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 से 13 तक आप इन प्रश्नों को देख लीजिए, द पोस्ट मास्टर वाज ए, यानी पोस्ट मास्टर जो था वो कैसा व्यक्ति था, तो फ्रेंडली भी था और फैट भी था, तो आप फैट में लगाएंगे, फैट नहीं होता तो आप फ्रेंडली पे लगा देते, ऑन द पोडियम गैप गैप दिया है, वाज फर्स्ट स्वार्म इन एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट, यानी सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में किसको सिलेक्ट किया गया, तो यहाँ पर मिस्टर डी क्लर्क, ठीक है, मिस्टर डी क्लर्क यानी बराहवे का ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न पे, व्हाट वाज द यंग सीगुल अफ्रेड ऑफ, यानी यंग सीगुल जो है किस चीज़ से डरता था, टू फ्लाई इन द स्काई, टू लैंड इन द सी, टू फ्लाई ओवर वास्ट सी, टू कैच फिश, यानी कि आकाश में उड़ने से डरता था, या कह लो समुद्र पर लैंड करने से डरता था, या फिर टू कैच फिश मछली पकड़ने से डरता था, या टू फ्लाई ओवर वास्ट सी यानी विशाल समुद्र के ऊपर वो उड़ने से डरता था, तो आपका ऑप्शन ए एकदम करेक्ट हो जाएगा, यानी वो आसमान में उड़ने से डरता था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 से 15 तक आपको प्रश्नों को पढ़ना है और नीचे दिए गए ऑप्शन में सही विकल्प चुनना है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इन इज ट्रू ऑफ द एशियन लाइन, यानी एशियाई शेर के बारे में इनमें से कौन सी विशेषताएँ सही हैं, तो ए लार्ग बीस्ट मतलब एक विशाल जानवर, और ब्राउन येलो कलर यानी भूरे और पीले कलर का होता है, तो ये पहला और दूसरा दोनों सही है, तो बोथ ए एंड बी पर आप टिक कर देंगे यानी ऑप्शन डी। अब देखते हैं 15वां प्रश्न, वेयर विल यू फाइंड एन एशियन लाइन, यानी आप एक एशियाई शेर आप कहाँ पाएंगे, तो जंगल्स इन द ईस्ट यानी पूर्व के जंगलों में, जंगल्स इन द वेस्ट यानी पश्चिम के जंगलों में, तो पश्चिम के जंगलों में आपको मिलेगा, तो ये वाला आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर भी अगले प्रश्न जो हैं, देखिए एट द क्लिनिक यानी क्लिनिक पर द डॉक्टर गेव ट्रिकी, यानी डॉक्टर ने ट्रिकी को क्या दिया, तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स नहीं दिए, इंजेक्शन एंड मेडिसिन भी नहीं दिए, नो फूड फॉर टू डेज यानी उसके खाने पर नियंत्रण किया गया, तो ये ऑप्शन सी यानी दो दिनों के लिए कोई खाना नहीं दिया गया, तो ऑप्शन सी आपका ये सही हो जाएगा। 17वां देखिएगा, हु वॉज द थीप इन द स्टोरी, द थीप्स स्टोरी यानी द थीप्स स्टोरी में चोर कौन था, तो हरी सिंह था, तो 17वें का ऑप्शन ए आपका सही होगा। 18वां, अजेबल सेड दैट द पुलिस विल नॉट हेसिटेट टू, यानी अजेबल ने कहा कि पुलिस तनिक भी नहीं हिचकिचाएगी क्या करने में, शूट करने में, ठीक है, तो ऑप्शन सी आप टिक कर देंगे। अगला देखिए, देयर वाज ए ग्रेट बाउल ऑफ, यानी वहां पर एक बड़ा सा कटोरा था किसका, फ्लावर्स माने फूलों का, ऑन द टेबल, तो ऑप्शन बी आपका सही होगा। ग्रिफिन लेफ्ट हिड मडी फुट प्रिंट्स ऑन द स्टेप्स ऑफ ए हाउस इन द मिडिल ऑफ, यानी कि ग्रिफिन ने अपने पैरों के निशान छोड़ दिए थे किसी घर की सीढ़ी में, कहाँ के घर की सीढ़ी में, तो लंदन के घरों की सीढ़ी में, यानी 20वें का ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों।
चलिए रीडिंग सेक्शन देखते हैं। इस पैसेज को पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है, सॉरी, ठीक है। देखिए, व्हाट वाज जॉन्स बिलीफ, यानी जॉन्स को क्या विश्वास था। तो यहाँ पे देखेंगे जॉन्स बिलीफ्स, आप ढूंढेंगे कहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ेंगे तो देखिए, इट वाज हिज फर्म बिलीफ दैट इट हिज वर्ल्ड हैज नो गुड नॉट गुड द नेक्स्ट वुड बी गुड एंड हिज फेथ सस्टेंड हिम, बस इतना आपको लिखना है, ठीक है। अगला, व्हाट कैन बी अंडरस्टैंड अबाउट जॉन फ्रॉम दिस पैसेज, यानी इस पैसेज से हम जॉन के बारे में क्या क्या सीख सकते हैं। तो बस इन्हीं चीज़ों को लिखना है, ही वॉज नॉट लाइक सम अदर्स होम ही न्यू, ठीक है। ही एलवाइज थाट ऑफ गॉड बिफोर डूइंग एनी थिंग, ही लिव्ड द लाइफ ऑफ एन ऑनेस्ट मैन, ही हैड नॉट मैरिड बट डिड नॉट डिजायर एन अदर्स मैन वाइफ, बस इन्हीं सब चीज़ों को आपको लिखना है, ठीक है। अगला, व्हाट इज मीन्ट बाई द अंडरलाइन पोर्सन, यानी इस अंडरलाइन पोर्सन का अर्थ क्या है। Dear souls to the devil, अर्थात अपनी आत्मा को शैतान के हाथों बेचना, तो इसका मतलब ये है अपनी आत्मा शैतान को देना, इसका मतलब ये है कि कुछ अच्छी चीज़ प्राप्त करने के लिए कोई गलत काम करना, ठीक है। ये मुहावरा है दोस्तों एक, तो कुछ अच्छी चीज़ प्राप्त करने के लिए कुछ गलत काम करना, इस मुहावरे का अर्थ आपको इंग्लिश में लिख देना है। अगला है, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स फीबल, फीबल माने होता है कमज़ोर, तो पैसेज में ऐसा कौन सा शब्द है जो कमज़ोर शब्द का अर्थ है। तो यहाँ पे देखें तो वीक माने भी कमज़ोर होता है, तो वीक आप लिख देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए राइटिंग सेक्शन में क्या दिया गया है, यहाँ पर आपको एक कंप्लेंट लेटर लिखना है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, यानी पुलिस अधीक्षक को बताते हुए रोकने के लिए क्या चोरी और चैन स्नेचिंग की जो घटनाएँ होती हैं उसको रोकने के लिए अपने एरिया में आपको क्या करना है, पुलिस अधीक्षक को एक शिकायत पत्र लिखना है, या फिर आप एप्लीकेशन लिख देंगे अपने प्रिंसिपल को अनुरोध करते हुए कि कुछ फर्नीचर की व्यवस्था की जाए आपके क्लास में, ठीक है। और आपको कारण भी बताना है कि क्यों किया जाए। उसके बाद आप एक छात्र रिपोर्टर के रूप में, आप अपने स्कूल मैगजीन या अपने स्कूल की पत्रिका के रिपोर्टर के रूप में आपको क्या करना है, एक रिपोर्ट लिखना है वर्कर्स पे माने मजदूरों के पेमेंट के ऊपर, और इन चीज़ों का हेल्प आपको ले लेना है, टाइप ऑफ फंक्शंस यानी कार्य के प्रकार और उनका नाम क्या है, डेट एंड समय लिखना है, ऑब्जेक्टिव एंड मेन हाईलाइट ऑफ द प्रोग्राम, किसी प्रोग्राम के मेन चीज़ों के बारे में लिखना है, और डिस्क्रिप्शन ऑफ द इवेंट और उस प्रोग्राम का संपूर्ण विवरण आपको लिखना है अपनी रिपोर्ट में। तो इन हेडिंग्स का उपयोग करके आप लिखिएगा। चलो इधर देखते हैं, कंक्लूजन यानी निष्कर्ष भी आपको साथ ही साथ लिखना है। अब यहाँ पे एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखने के लिए बोला गया है, ऑन योर रोल मॉडल, रोल मॉडल मतलब आपका आदर्श कौन है, आइडियल कौन है, आप किसको देख करके पसंद करते हैं ज़्यादा, ठीक है, आपका आइडियल कौन है, और हु इज योर रोल मॉडल यानी आपका आइडियल कौन है, आदर्श व्यक्ति कौन है, उसकी विशेषताएं लिखेंगे, उसका प्रकृति स्वभाव लिखेंगे, और उसकी विशेषताएं यानी अच्छी क्वालिटीज उसके अंदर क्या हैं आपको बताना है। ग्रामर पोर्शन आ गया है, लेकिन अभी तक कई लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, पता नहीं ये लोग कब करेंगे, भाई जल्दी से लाइक कर दिया करो। देखिए, माई फादर सेड टू मी हैव यू कम्प्लीटेड योर वर्क, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है, तो माई फादर सेड टू मी का हो जाएगा माई फादर आस्क्ड मी, सेड टू को बदल दो आस्क्ड में, तो माई फादर आस्क्ड मी, और इन दोनों को हटा करके आपको लगा देना है इफ, ठीक है, और यू को बदल दो आई में, इफ आई हैड, हैव को बदल लो हैड में, यानी इफ आई हैड कम्प्लीटेड माई वर्क देन, नाउ जो है इसको बदल लो देन में, यानी माई फादर आस्क्ड मी इफ आई हैड कम्प्लीटेड माई वर्क देन, ऐसे कर लो, और इसको पैसिव वाइज में आपको कन्वर्ट करना है, तो द बॉयज आर प्लेइंग ए मैच, तो ये हो जाएगा ए मैच इज बींग प्लेड बाई द बॉयज, ठीक है, ए मैच इज आर को बदल लो इज में, इज बींग प्लेड बाय द बॉयज। यहाँ पे देखेंगे इसको ट्रांसलेट आप लोग कर लेंगे, और इस वाक्य में आपको कंजक्शन बताना है, ये वाक्य आप देख लेंगे पूरा, कंजक्शन बताना है और कंजक्शन के प्रकार का डिटेल से आपको वर्णन करना है यहाँ पर एक्सप्लेनेशन सहित, और इसका ट्रांसलेशन आप किसी भी गूगल से कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तुरंत आप कर लीजिएगा। अब यहाँ पे लिटरेचर देखिए, 30 से 40 शब्दों में आंसर देना है, व्हाट डिड नेल्सन मंडेला प्रॉमिस टू हिज नेशन, यानी अपने राष्ट्र से नेल्सन मंडेला ने क्या वादा किया, और डिस्क्राइब योर व्यूज अबाउट मिस्टर किसिंग एज ए टीचर, यानी मिस्टर किसिंग का एक अध्यापक के रूप में अपने विचार आप वर्णित करेंगे। हाउ डिड द पोस्ट मास्टर गेट द लेटर, यानी पोस्ट मास्टर ने पत्र कैसे प्राप्त किया। व्हाट वाज हिज रिएक्शन व्हेन ही रीड द लेटर, जब वह पत्र पढ़ा तो उसका रिएक्शन क्या रहा। डिस्क्राइब द फ्लाइट ऑफ द पायलट बिफोर द इनकाउंटरेड द डार्क क्लाउड्स,
यानी कि गहरे काले बादलों में घुसने से पहले पायलट की यात्रा का वर्णन आप करेंगे, चार लाइन की पोइम लिख देंगे। यहाँ पे सेंट्रल आइडिया दिया गया है, फायर एंड आइस, डस्ट ऑफ स्नो और द बॉल पेन पे। और यहाँ पे हाउ डिड अर्निल अर्न मनी ऑफ फॉर हिज लिविंग, यानी अनिल ने अपनी जीविका चलाने के लिए कैसे धन कमाया, और हाउ डिड ही यूज हिज मनी, और उस मनी का वह कैसे उपयोग करता था। व्हाट डिड आजेबल वॉन्ट टू शो फॉलर इन हिज रूम, यानी कि आजेबल फॉलर को अपने रूम में क्या दिखाना चाहता था। और डिस्क्राइब द लैविश लाइफ स्टाइल दैट ट्रिकी हैड, यानी ट्रिकी की लाइफ स्टाइल के बारे में आपको बताना है। और व्हाई डिड ग्रिफिन इंटर द लंदन स्टोर, ठीक है ना, यानी कि ग्रिफिन जो है वो लंदन के स्टोर में क्यों घुसा, और व्हाट डिड ही डू देयर, और वह वहाँ पे क्या किया। तो यहाँ से दोस्तों आपका पूरा पेपर फिनिश हुआ। आप लोग पूरा पेपर का अगर PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम पे जाना है, लर्न विथ RP लिखिएगा, वहाँ पे मेरा चैनल आएगा, उसको ज्वाइन कर लो, वहाँ पर इसकी PDF मैं अभी के अभी शेयर कर दूंगा। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।